नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, बहुत फोकस तो हमारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर रहेगा, जहां अपोजिशन की जमातें, सिविल सोसाइटी और मीडिया जो है अदालतों का रुख अख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट 2016 में जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस हुकूमत ने एक दिन पहले निकाला, उसके खिलाफ मीडिया, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन की जमातें और बार एसोसिएशन जो हैं वो लाहौर हाईकोर्ट और उसका रुख अख्तियार कर रहे हैं अदालतों का। उस पर हम बात करेंगे बड़ी तफसील से पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से। लेकिन सबसे पहले बैनुल अक्वामी सूरत हाल पर नज़र धुड़ानी है, जहाँ गुज़िश्ता शब पाकिस्तान के टाइम में रशिया के सदर जनाब व्लादिमिर पुतिन ने बिलाखिर वो फैसला कर ही लिया जिसका मगरबी दुनिया को ख़तरा था, जब उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन में डॉनबास के रीजन में, जिसने पहले ही खुद मुख्तारी का ऐलान कर रखा था, उस रीजन को रशिया प्रॉपर में इनकॉर्पोरेट करने का, उसे फॉर्मल रशिया में शामिल करने का उन्होंने फैसला किया। और उसके चंद घंटों के बाद उन्होंने रशिया की मिलिट्री फोर्सेस को डॉनबास के रीजन में दाखिल होने की इजाज़त दी, उनको हुक्म दिया। और इस पर बड़ा शदीद रद्दमल है, उतना नहीं हुआ वैसे जितना ख्याल था कि अमरीका और यूरोप शायद नेटो इस पर जंग करने को उतर आएंगे, शायद कोई मिलिट्री इमदाद देंगे यूक्रेन को, लेकिन अमरीका ने अब तक सिर्फ सेंक्शंस लगाने का फैसला किया है। ये वो सूरत हाल है जिस पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज शब को या कल सुबह रूस के दौरे पे जा रहे हैं, जहां वो रूस के सदर प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात करेंगे, जिसके बारे में बड़ी मुतजाद ओपिनियंस है कि इस मौके पे शायद उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ताहम पाकिस्तान और रूस ने इसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़ी डिटर्मिनेशन से रूस का रुख इख्तियार कर रहे हैं। जाने से पहले, एक दिन पहले, उन्होंने रशियन टेलीविजन आरटी को एक इंटरव्यू भी दिया। आरटी का जो इंटरव्यू ऑक्साना बॉयको कर रही थी, उनकी एंकर पर्सन, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहता और हम ये समझे हैं, इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि फॉरन एड किसी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और बात है कि अमरीकियों को तश्वीश होगी कि चीन में के आने के फ़ौरन बाद अब उन्होंने रूस का इख्तियार किया, तो शायद पाकिस्तान किसी नए ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है। तो हम अगला मैं जो टुकड़ा आपको सुनाने लगा हूँ, इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है कि आरटी की एंकर पर्सन ऑक्साना बॉयको की होश व हवास ही उड़ गए जब वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी के हवाले से आरटी पे लेक्चर दिया और नरेंद्र मोदी को ऑफर भी कर दी कि वो उनके साथ एक टेलीविजन पे मनाजरा कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे तोते उड़ गए आरटी के एंकर पर्सन की, हिंदुस्तान का जिक्र सुन के जाहिर है उनके टेलीविजन की ये पॉलिसी नहीं थी। मैं पोलिटिकल डिस्कशन की तरफ आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है एम्बेसडर जमीर अक्रम साहब ने। एम्बेसडर साहब जो हैं वो सोवियत यूनियन में भी, फॉर्मर सोवियत यूनियन में, रशिया में भी सर्व कर चुके हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में सर्व किया, अक्वामे मुत्तहिदा समेत। एम्बेसडर जमीर अक्रम साहब, बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक ऐसे मौके पे जबकि यूक्रेन पे के इलाकों को शामिल कर लिया है रशिया के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने और एक जंग का खतरा था, तो पाकिस्तान के वजीर आजम को रशिया के दौरे पर नहीं जाना चाहिए। अब मैं इससे इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि हम पे ये जो वजीर आजम का दौरा है ये तो दो तरफा ताल्लुकात के बारे में है, इसका इसका यूक्रेन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ये दौरे की जो डेट्स हैं ये कई तकरीबन एक महीने पहले इनको फिक्स किया गया था, उस वक्त कोई क्राइसिस तो थी नहीं, लेकिन अब जब ये क्राइसिस हो रही है, वैसे मैंने अर्ज किया इसका यूक्रेन के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे दो तरफा ताल्लुकात के बारे में है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम तजारत को फरोग देना चाहते हैं, अपने माशी हालात बेहतर करना चाहते हैं, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, खित्ते में भी हमारी कोऑपरेशन हो रही है अफगानिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, तो हमारे लिए तो ये दौरा बहुत अहम है और इस इन अहम वजूहात की बिना पर हमें ये दौरा कैंसिल नहीं करना चाहिए। जो यूक्रेन में हो रहा है वो रूस का मसला है, वो अमेरिका का मसला है और यूक्रेन का मसला है, हमें उसमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। अच्छा, ऐसा सब इतना बता दीजिए कि इस विजिट में पाकिस्तान के आग्राजों मकासद और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसमें देखें, सबसे ज्यादा तो ये है कि एक तरह से हमारे पॉलिटिकल लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग रूस के साथ बढ़ती जा रही है बायलैटरली और रीजनल इश्यूज के ऊपर, उनको आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल इश्यूज या रीजनल इश्यूज आप ले लें तो वो अफगानिस्तान का मसला है, वहाँ की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको हैंडल किस तरह करना है, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी किस तरह से इंकरेज करनी है, टेररिज्म, ड्रग्स, इन सारे मसाइल का
हल निकालना है। इसके साथ हम रूस के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं, चीन के साथ काम कर रहे हैं, ईरान, दूसरे जो नेबर्स हैं उनके साथ हम ये इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, अक़्वाम मुत्तहिदा के साथ कर रहे हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं इसमें हम चाहते हैं रूस के साथ तजारत बढ़ाना, हम चाहते हैं कि रूस यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन में जो उन्होंने इन्वेस्ट करना किया है, वो ऑफर दिया है, उसको आगे बढ़ाना है, और भी दूसरे रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल एशिया के साथ, जिस जहाँ रूस का भाई इंटरेस्ट है उनके साथ, हमारे थ्रू उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे ममालिक जो हैं वो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, दिफाई कोऑपरेशन भी है, हम उनसे कुछ मटेरियल भी लेते हैं, दिफाई इक्विपमेंट भी लेते हैं रूस से। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे फायदे में हैं और हमें इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। अम्बेसडर साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा जुर्रतमंदाना और बोल्ड फैसला किया, अनवेवर्ड तरीके से वो पीछे नहीं हटे, जबकि अमरीकी मीडिया और दुनिया के ज़राए अबलाग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को शायद इस वक्त पे रूस का रुख अख्तियार नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट पुतिन को लेजिटिमेसी दी है, स्पेस दे रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके, जबकि रूस को आइसोलेट करने की कोशिश है अमरीका की। तो क्या आप समझते हैं कि इसके नतीजे में प्रेसिडेंट पुतिन भी इस बरस पाकिस्तान का दौरा कर पाएंगे? उम्मीद तो है कि वो यहाँ दौरा कर पाएंगे, पहले भी उनका एक या दो मरतबा दौरा होना था, फिर वो किसी न किसी वजह से पोस्टपोन हो जाता था। तो मुझे उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे, और ये दो तरफा जो हमारे ताल्लुकात, जैसे मैंने अर्ज किया, प्राइम मिनिस्टर की विजिट से और प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट से इनको तकलीफ मिलेगी, ये आगे इनको और बढ़ाना चाहिए। हमें हम जो है एज अ कंट्री हम अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, हम जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम किसी कैंप में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो सही बात है, और रूस एक दुनिया का की बहुत बड़ी ताकत है, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए और उसके साथ हमें काम करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अक्रम साहब, हमें अपना एनालिसिस दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर के दौरे रूस के हवाले से। ये 23 बरस के बाद पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जो मॉस्को के दौरे पर जा रहा है। इससे पहले 1998 या 99 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मॉस्को में जाके उस वक्त व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। मैं अपने डोमेस्टिक पैनल की तरफ आता हूँ, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुक्मरान जमात से सैयद वलीद इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ से मेरे साथ है, वकील भी हैं, लम्स में पढ़ाते भी हैं, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी PMLN के रहनुमा भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे जनाब एक्स सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। इससे पहले कि हम चलें पीका की तरफ, हम बात करें कि किस तरह से अपोजिशन की जमातें, सिविल सोसाइटी और मीडिया इकट्ठे हो रहे हैं, अदालतों का रुख इख्तियार कर रहे हैं उस अमेंडेड ऑर्डिनेंस में, पीका के कानून में, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के क्राइम में हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की है उसके खिलाफ अदालतों में जा रहे हैं। मैं एक क्विक क्वेश्चन थ्रो करना चाहता हूँ इसी रशिया विजिट के हवाले से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या PMLN की कोई अभी पोजिशन है वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से? आप इसको, इसकी तायद करते हैं, आप इसकी मुखालफत करते हैं, आपकी कोई ऑफिशियल पोजिशन इस पर सामने आई? देखिए, जाहिर है जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो ये बड़ा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में एक वक़ार जो है, ये हमें अगर हुकूमत या हुक्मरान जमात से ज़्यादा नहीं तो कम अजीज़ नहीं है। हर हवाले से पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि रिस्पेक्ट हो, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की तारीफ हो। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा गवर्नमेंट में फॉरेन पॉलिसी के सेक्टर के ऊपर हमें कोई खातरखा कामयाबियाँ नहीं हो सकी। थोड़े से मतलब ये बात बैकग्राउंड में मैंने की है और जनरल प्रोस्पेक्टिव में की है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो आप ये कहें कि बहुत करीबी पाकिस्तान के शुरू से समझे जाते रहे, रशिया के ट्रिप पे आपका क्या रद्द अमल है? देखें, ये असेस करना इस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है कि एक ऐसे वक्त में जब रशिया खुद जो है वो चंद ऐसे मामलात में यूक्रेन के हवाले से घिरा हुआ है कि जिसमें आलमी सतह के ऊपर उस पर तनकीद भी हो रही है और आलमी लॉबीज चाह भी रही हैं कि रशिया को साइड लाइन किया जाए। पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का उस कंट्रोवर्सी से कोई ताल्लुक है या पाकिस्तान उस कंट्रोवर्सी में किसी एक धड़े के साथ खड़ा है। ये तो ऐसे विजिट्स हैं कि जिसके ऊपर हम चूँकि एक रीजन में हैं,
लिहाजा मेरा ख्याल हमारे रशिया के साथ अच्छे दोस्ताना मरासिम होने चाहिए और पाकिस्तान ना इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा है और ना मेरा ख्याल बनना चाहिए। अच्छा वलीद इकबाल साहब, सैनिक वलीद इकबाल साहब, क्या ये अच्छा ही नहीं है कि एक तरह से वजीर आजम एक ऐसे मौके पे रूस जा रहे हैं जबकि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तनकीद का निशाना बन रहे हैं, घिरे हुए हैं, रूस आइसोलेट होता नजर आता है मगरब से, ऐसे मौके पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का रशिया में जाना एक तरह से रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को कंसोलिडेट करता है। जी जिस तरह अभी जो इस मौजू के सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट आपने मधु किए हुए थे एम्बेसडर अकरम साहब, उन्होंने जब ये बात ऑब्जर्व कर दी है और मैं उसकी तायीद करता हूँ कि ये एक बायलैटरल रिलेशनशिप है और इसमें एक अगर आप बहुत सी दहाइयों पीछे चले जाएं तो इसमें बहुत अप्स एंड डाउन हैं को मिल गया और एक और इसका बाकी दुनिया में क्या हो रहा है या रशिया का यूक्रेन से, देखें पाकिस्तान के यूक्रेन से भी सफारती ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सफीर यूक्रेन में पाए जाते हैं, वो एक अलहदा फुटिंग पे है, और अगर नेटो का और रशिया का इसके ऊपर खिंचाव चल रहा है, टेंशन चल रही है या एक बहरान रूनुमा है, वो एक बिल्कुल इससे अलहदा और अलग मामला है। ये एक बायलैटरल रिलेशंस के लिए है और इस बायलैटरल रिलेशंस में सफारती ताल्लुकात के अलावा रीजनल कनेक्टिविटी का जिस तरह जिक्र हुआ, अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके हवाले से बहुत मुश्तरका चैलेंजेस भी हैं खत्ते के ममालिक को, टेररिज्म के हवाले से खरीबकारी की दहशतगर्दी के वो जो सारे मामलात हैं, और इस सबसे ऊपर बात यह है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो तबानाई में एनर्जी की जो सिचुएशन है और जिस तरह पाकिस्तान और रशिया कोऑपरेट कर रहे हैं नॉर्थ साउथ जो पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर और उस पर भी काफ़ी पिछले कुछ महीनों में भी पेशरफ्त होती रही है और मजीद उसको तकवीयत मिलेगी, तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक कंसोलिडेट करने का एक मौका है और ये बड़ा एक तारीखी और बड़ा एक अहम दौरा है जो वजीर आजम कर रहे हैं, लेकिन इस कंसोलिडेशन का यूक्रेन वाले जो बहरान है या वहां पर जो खिंचाव है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे एक बिल्कुल अलग चीज है और अलहदा फुटिंग के ऊपर है, और मेरे ख्याल में ये मौका और वक्त बड़ा अच्छा है जिस तरह मैंने कहा अलग शेबो फराज रहे हैं, अगर आप पीछे चले जाएं तो आई थिंक दो ममालिक ने एक दूसरे को कभी सही समझा नहीं, फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह आजादी के बाद बहुत ज्यादा अमरीकी कैंप में चला गया, पाकिस्तान के कभी भी ताल्लुकात रूस के साथ स्पेशल रीजन सियासत की तरफ भी मैं दाखिली सियासत लेकिन की तरफ भी लेकिन यह है कि हमेशा चाहता हूं सैनिक वली मैं दाखिली सियासत की तरफ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमेशा जब भी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई और बहुत से मौके आए हैं उसमें बहुत नतायज जो है अच्छे बरामद हुए हैं और अभी भी अच्छे की ही तवक्को है, मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल मेरे साथ रहिए मैं नाज़रीन, थोड़ा सा इसमें आपको ये भी ऐड कर दूं कि लोग जब मगरबी ज़राए इब्लाग की जंग की बात करते हैं यूक्रेन में तो ऐसी कोई जंग वहाँ होने इसलिए नहीं जा रही कि 2014 से डॉनबास का जो इलाका है जिसके दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डोनेस्क है और लुसान्क है, ये दोनों रीजन्स जो हैं यहाँ पर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में डिक्लेयर कर दिया है। 2014 से 2021 तक यहाँ पर पहले बहुत लड़ाई हो चुकी है जिसमें यूक्रेन की जो फौजें हैं वो इन इलाकों का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकें और अब रशिया ने इनको फॉर्मली अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो जाहिर है कि यूक्रेन की फौज यहाँ रूस को लड़ने के लिए उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि रूस को जाके यहाँ पर चैलेंज करेगी, तो यहाँ पर एक लीगल चीज़ तो हो गई है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ तो हो गई है, एक इंटरनेशनल ऑर्डर तो अपसेट हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी जंग होते हमें नज़र नहीं आती। अब आते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ जहाँ अपोजिशन के रहनुमा पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया तो एक दिन पहले पीका 2016 के हवाले से जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस निकाला जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया गया है डिफेमेशन को या फेक न्यूज़ को और उसमें गिरफ्तारी फौरी तौर पर मुमकिन है, उसके हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं वो सुन लेते। अब एक ऑर्डिनेंस आया है के तहत अगर आप फेक न्यूज करेंगे तो आपको हुकूमत अंदर कर देगी और आपकी बेल भी नहीं हो पाएगी। ये अवाम की आवाज़ दबाने, ये हक की आवाज़ दबाने का एक और जरिया है, लेकिन ये चीज़ें कभी चलती नहीं है, ना ये चलेंगी ना आज चली है ना कल चलेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों का हिसाब कल आपको देना हो। DGFIA ये IG पुलिस जो सूबों के हैं इस्लामाबाद के हैं इनसे गुजारिश है गैर कानूनी गैर आइनी अमाल में शरीक मत हो। बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कहते हैं, घबराए नहीं, उन्होंने अवाम को भी कहा था तो अवाम तो घबरा गए, तो मेरा ख्याल अब इमरान खान के घबराने के दिन है।
अब इमरान खान के घबराने के दिन है ये ख्याल है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। सैंड वाली देखो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ बिकॉज आपका ताल्लुक हुकूमत से है, आपकी नॉलेज में आप वकील भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में एकेडेमिक भी हैं, आपका एक बड़े इलस्ट्रेटेड पाकिस्तान की जो इजहार ख्याल की फैमिली है उसके साथ आपका ताल्लुक है। हम ये नहीं कह रहे, अपोजिशन ये नहीं कह रही, मीडिया और सिविल सोसाइटी ये नहीं कह रहे कि एक कानून ऐसा नहीं होना चाहिए डिफेमेशन के खिलाफ या एक ऐसा कानून नहीं होना चाहिए फेक न्यूज़ के खिलाफ, होना चाहिए। लेकिन जो कानून आपकी हुकूमत लेकर आई है जिसमें इसको कॉग्निजबल करार दे दिया गया, जिसमें गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि हुकूमत ने बड़ी ड्रैकोनियन पावर्स जो हैं दे दी हैं FIA को, जिसकी कैपेसिटी कुछ नहीं है और यहाँ पर इसमें बड़ा मसला पैदा होने वाला है। देखें जी, सबसे पहले तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की मुझे उस पर हंसी आ रही थी और मैं अभी भी आपके कैमरे, क्योंकि आपका कैमरा मेरे पे, अभी भी हंस कर दिखाना चाहता हूँ। आप जरा मुलाहजा कीजिएगा, गौर करें कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। वो कहते हैं, और वो मेरे हंसने की वजह क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ। वो बोल रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, अभी यहाँ लाहौर के अंदरून शहर से ज़िमनी इंतखाब में अपने हल्के को तो उनको शिकस्त हो गई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हाथों, लेकिन यहाँ से लाहौर से अब ज़िमनी इंतखाब में दोबारा असम्बली में आ गए हैं। जुमला ये बनाया है उन्होंने कि जी अगर आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं तो आप अंदर हो सकते हैं। ये क्या के आगे कहते हैं कि ये हक की बात को दबाने के मुतरादिफ है। माशाल्लाह, मतलब आप एक जुमले में कह रहे हैं कि झूठ बोलने पे आप अंदर हो जाएंगे, झूठ फैलाने पे आप अंदर हो जाएंगे और ये हक की बात को दबाने के मुतरादिफ है। सुभान अल्लाह जी, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह की लॉजिक है। मैं आपको जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं, 2016 का ये कानून है, हमने ये कानून नहीं बनाया, हमने इस कानून में तरामीम की और मैं उसकी वजह आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो इस कानून के अंदर जिस तरमीम की, इसमें दो तीन इसके पहलू हैं। फेक न्यूज इसका एक पहलू है, दूसरा इसमें हेट नफरत फैलाना और बहुत सी चीजें भी आती हैं ज़राए ब्लाग को इस्तेमाल करते हुए, और ऐसे ज़राए ब्लाग को, सोशल मीडिया को, जिसको बिल्कुल एक छुतरे बेलगाम है, जो बिल्कुल जहां मदर पिदर आज़ादी है, और इसको जिन जिन ममालिक में जब जब ये कानून बनाए गए उन सबको इब्तदा में हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन बाद में सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो मुअस्सर कानून थे। ये जो तीन चीजें खास तौर पे इसमें की हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो बनाया है, जिसको नॉन बेलेबल जो बनाया है, और जो टाइमलाइंस दी हैं कोर्ट्स को कि जी तो मखसूस जजेस जो हैं उनको किया जाए नामजद के जी वो इन केसेस को सुनेंगे, और दूसरा एक वक्त मुकर्ररा में टाइम बाउंड किया कि फैसला करेंगे। वजह उसकी ये थी कि इन तरामीम से पहले वो कानून बिल्कुल ही गैर मुअस्सर था, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा था। वो ऐसा कानून था जो स्टैट्यूट बुक्स के ऊपर था। आज़ादी इजहार राय एक बुनियादी हक है। आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपनी तमहीद में बहुत से तारीफों के पुल बांधे, मुझे बड़ा डिसार्म किया आपने, और आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं ह्यूमन राइट्स की कमेटी को भी चेयर करता हूँ सेनेट की जो है। पाकिस्तान के दस्तूर, पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 28 तक तमाम बुनियादी हकूक हैं। आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार राय की बात है, और चंद एक बुनियादी हकूक उसमें ऐसे हैं पाकिस्तान के आइन में जो बिल्कुल ब्लैंक चेक हैं, वो लामहदूद हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस और ये मीडिया वसाला जो सर सब, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, लाइव प्रोग्राम है, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। मैं आज कर रहा हूं आर्टिकल 19 में पाकिस्तान के आईन में का भी पर्सपेक्टिव लेते हैं, तारिक फजल चौधरी साहब को भी, और हम जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन एक्स सेनेटर भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे, मुमताज लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि वक्त से पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में एक इत्तेहाद मुत्तहिद हो रहे हैं। हुकूमत ने नई जो तरमीम लाई है फीका एक्ट 2016 के अंदर, उस हवाले से अपोजिशन भी बात कर रही है अदालतों में जाने की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, PFUJ और शहरी पहले ही लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कर चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो रद्द अमल है वो भी मैंने आपको सुनाया, मैं ज़रा PML का पर्सपेक्टिव इस पर ज़्यादा ले लूँ, उसके बाद हमें सेनेटर एतजाज एहसन पाकिस्तान के मशहूर कानूनदान, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, एक्स सेनेटर जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप इससे तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में डिफेमेशन और फेक न्यूज़ के हवाले से सख्त कानून होना चाहिए। यहाँ लोगों ने मजाक बना लिया है, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, किसी आदमी, किसी औरत, किसी सियासतदान, किसी पब्लिक फिगर, किसी सेलिब्रिटी की इज्जत जो है अब महफूज नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं है यहाँ पर गैर जिम्मेदार स्पीच ने। तो एक सख्त कानून होना चाहिए जिसका लोगों को खौफ हो, ताकि एक डिटरेंस हो।
डॉक्टर साहब, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा जो मीडिया है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, ये तो बिल्कुल शुतरे बेमहार हो चुका है, बग़ैर लगाम के जैसे होता है, और इसमें आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नामुनासिब अल्फाज तो बहुत एक महज़ब आप ये कहेंगे उस मीडिया के ऊपर हो रही है, बदतरीन आप ये कहें कि गालियाँ दी जाती हैं, और ये ऐसा एक ट्रेंड है कि जिसे रोकना और इस तरह के छोटे जहन के लोगों को कंट्रोल करना ये बहुत ज़रूरी है। मेरा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बात अभी आपके स्पीकर लॉ के हवाले से और गवर्नमेंट क्यों ये लेके आना चाहती है, क्या उसकी वजह यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ या आप बयान कर रहे हैं कि उन लोगों को लगाम देनी है जो इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसकी वजह ये नहीं है। वो अगर होता तो वो लॉ किसी और शक्ल में लेके आया जाता, सारी गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट करते या पार्लियामेंट में लेके आते, बहस करते उस पर, अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेते जनाब कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सियासतदान तो सबसे ज्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं। असल बात यह है कि अभी जो महजूज हो रहे थे सेनेटर साहब, वो बहुत महजूज ना हो बराए मेहरबानी। शायद रकाना भाई साहब ने जो बात की है मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज़ है क्या, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये आज़ादी राय गवर्नमेंट। जरा अपना कमेंट जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए, बिकॉज बैरिस्टर एतजाज अहसन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बस मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहें आज के जनाब गवर्नमेंट नालायक है तो गवर्नमेंट कहेगी ये फेक न्यूज है, आप कहें ये नाहल है ये कहेंगे ये फेक न्यूज है, आप कहेंगे जो वादे इन्होंने किए थे 10% भी पूरे नहीं कर सके ये कहेंगे फेक न्यूज है, आप कहें लोग इन्हें बदवाएं दे रहे हैं ये कहेंगे फेक न्यूज है। ये इस तरह की खबरों को फेक न्यूज कह के आपके खिलाफ मुकदमे बनाएंगे, ये गवर्नमेंट की नीयत है कि कोई एंकर सच ना बोले, कोई जर्नलिस्ट सच ना बोले, सब इनकी तारीफें करें, जो तनकीद करेगा ये फेक न्यूज है। ये मकसद है हमारा कि गवर्नमेंट जबान बंद करना चाहती है, ठीक है, मीडिया की, अपोजिशन की और उन तमाम लोगों की जो टीवी पे आके सच बोलते हैं, ये बुनियादी बात है। और बाकी ये कि अच्छा अब जरा मेरे साथ रुकिए जरा, मैं फिर आऊंगा आपकी तरफ, मेरे साथ रुकिए जी, मेरे साथ रुकिए। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, एक सेनेटर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के मुमताज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, इस पे तो अपोजिशन और हुकूमत और मीडिया की अक्सर शख्सियात तकरीबन एक इत्तफाक राय है, कंसेंसस है कि पाकिस्तान में फेक न्यूज़ और डिफेमेशन के खिलाफ और जिस किस्म की गैर जिम्मेदाराना या इंतहाई बदतमीजी की जुबान यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, अखलाक से गिरी हुई जुबान इस्तेमाल की जाती है, उसके खिलाफ एक सख्त कानून होना चाहिए ताकि डिटरेंस हो। लेकिन इसके बावजूद जहाँ हुकूमत ने इसको कॉग्निजेबल बना के गिरफ्तारी का राइट दे दिया है और फेक न्यूज़ को डिफाइन ही नहीं किया, इसका मतलब है कि जो भी किसी के खिलाफ साजिश करके भी अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहे तो पहले तो वो शख्स गिरफ्तार होगा। वो जर्नलिस्ट हो सकता है, वो पॉलिटिशियन हो सकता है, वो मीडिया पर्सनैलिटी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, और फिर बाद में FIA कुछ करेगी। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए डॉक्टर साहब, फेक न्यूज मैं बता देता हूँ आपको क्या है। फेक न्यूज जो है वो फेक न्यूज वो है वो जो सबूत, इन्वर्टेड कॉमर्स में सबूत, सो कॉल्ड सबूत और वीडियो टेप जो मरियम बीबी ने रखी हुई है, जो उन्होंने बलबला कहा है कि मेरे साथ आप छेड़छाड़ ना करना वरना मैं आपको मतलब बड़े और नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं सबको तबाह कर दूंगी, वो फेक न्यूज वो है, वो उनके पास है और वो उसको उनसे ब्लैकमेल कर रहा, दे रहा था ब्लैकमेल टेप, वो ब्लैकमेल टेप्स है और ये तरीका है ये उनका। बाकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आम साफी जो है, जो साफी मेहनत का साफी है, उसके खिलाफ ये कानून का कोई उसके इतलाक नहीं होना चाहिए। इसमें हम बिल्कुल क्लियर है, वाजे है और ये मेरा ख्याल है सारी कौम भी इस पे एक गेंद की होगी और हुकूमत को इसमें मुश्किल होगा इस कानून को पास कराने का असेंबलियों में, इसीलिए वो ऑर्डिनेंस के तहत लाइए। पर अगर आज इतने भोले बादशाह भी लोग हों कि कह जी हमें पता ही नहीं फेक न्यूज क्या है, फेक न्यूज ये है कि जो आपने अरशद मलिक के साथ टेप की बनाई है वो फेक न्यूज, अरशद मलिक की वो टेप नहीं है, वो भी फेक थी,
क्योंकि वो अगर फेक ना होती इन्होंने ये ले गए होते अदालत में। मैंने तो पहले दिन कहा, जिस दिन इन्होंने ये कहा अरशद मलिक की, जज अरशद मलिक की वो टेप चलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा ये तो नवाज शरीफ को आज ही रिहा करा सकते, ये तो बिल्कुल ये तो उड़ गया केस सही, ये तो इनको जाके जाके अदालत में पेश करना चाहिए। तो मैंने कहा ये पेश करेंगे अगर ये फेक न्यूज ना हुई, ठीक, अगर ये फेक न्यूज हुई तो ये बिल्कुल स्टोरी लेके जाएंगे। वो तो साकिब निसार साहब की जो ऑडियो बना के लाई गई, वो भी जस्टिस साकिब निसार, वो भी फेक न्यूज थी, वो फेक उसको क्रिएट किया गया। लेकिन बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, गिरफ्तारी जो है किसी को भी लाइफ और लिबर्टी से महरूम कर देना बगैर एक ड्यू प्रोसेस के, जब आप एक चीज को कॉग्निजेबल करार देते हैं, कोई किसी पे इल्जाम लगा देता है, अभी हमने मगरब में देखा कि कैसे मी टू कैंपेन जो है उसके बाद जो पुराने स्टैंडर्ड थे कानून के कि आपने असॉल्ट का या रेप का इल्जाम कैसे लगाना है, उसकी डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन ही खत्म हो गई। तो जब आप डेफिनेशन ही खत्म कर देते हैं तो यहां पे तो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, बाद में अपने आप को डिफेंड करेंगे, और एफआईए की तो कोई कैपेसिटी नहीं है चीजों को चेक करते, इसमें आपको खतरा महसूस होता है? क्या आप एडवाइस करेंगे हुकूमत को, क्या तब्दील करना पड़ेगा इस कानून में? नहीं, कानून में तो सब कुछ बहुत कुछ तब्दील करना पड़ेगा, इसको वापस देना पड़ेगा। पर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि कोई कहे कि फेक न्यूज पता नहीं क्या है, उसको बताना चाह रहा हूँ कि फेक न्यूज एक रियल चीज है, और कम अज कम एक बहुत बड़ी जमात ने उसको अपनी स्ट्रेटेजी में रखा हुआ है कि फेक न्यूज को बना के लोगों को प्रेशर डाल के और उनसे वो ये जो इसका है एफिडेविट वो जो गिलगित का जो चीफ जज था वो फेक न्यूज है, वो फेक न्यूज है। फेक न्यूज हमें कैसे नहीं नजर आती? फेक न्यूज बिल्कुल नजर आती है और फेक न्यूज पर सजा होनी चाहिए, लेकिन आम सहाफी आम शरीफ हो ना शरीफ सहाफी हो, सहाफी आम सहाफी पे फेक न्यूज का लॉ का इस्लाह का कानून का इस्लाह नहीं होना चाहिए। बट फेक न्यूज है और फेक न्यूज एक जमात की लीडरशिप ला रही है। अच्छा, जरा मेरे साथ रुके बैरिस्टर जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जहां से एतजाज अहसन साहब समझते हैं वो भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि फेक न्यूज के खिलाफ कानून होना चाहिए, सजा भी होनी चाहिए, लेकिन वहां ये सवाल भी उठता है कि जर्नलिस्ट जो हैं, जब उन्होंने कहा देखिए जर्नलिस्ट तो ये कहते हैं कि जराए से ये पता चला है कि फला शख्स जो है इसमें किकबैक लिया गया, कमीशन लिया गया, उसमें स्पेकुलेशन भी होती है, फला मीटिंग हो गई है, उस मीटिंग की तस्वीर नहीं होती है, उसकी कोई पब्लिश खबर नहीं होती है, लेकिन आप अक्सर वो बात सही साबित होती है 90% ज्यादा कि फला की फला सी मीटिंग हुई है, तो ये सब चीजें तो फिर फेक न्यूज में चली जाएंगी सेनेटर वली? बिल्कुल नहीं जाएंगी जी, जब वो खबर है ही सच्ची तो फिर तो फेक ही नहीं कहलाएगी। आप कह रहे हैं ना कि जराए से कोई चीज पता लगती है, जराए साबित कैसे करेगा वो हवाला दे के कोई झूठ बोल देना? देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं आपको बताता हूं कि जर्नलिस्ट का सहाफी का काम जो है एक सिविलाइज्ड माशरे में किस तरह से होता है। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब 2011 का बहुत बड़ा जलसा हुआ तो इमरान खान साहब के ऊपर कवर स्टोरी की, एक उनकी संडे मैगजीन होती है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसका जो एक कवर करने के लिए यहाँ साफी लाहौर में आया हुआ था, उसने किसी दोस्त के जरिए मुझसे रब्ता किया कि आपके भी राय लेनी है और आपका भी हमने जिक्र करना है। वो 4-5 सफ़े का मजमून था, उसमें एक पैराग्राफ 5 लाइनों का मेरे बारे में था और जो मैंने बातें की थी उनके बारे में था। मुझे उस गुफ्तगू, उस सहाफ़ी ने जो गुफ्तगू की न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी ने, उसके नतीजे में जब ये आर्टिकल तश्कील हो रहा था, एक 4-5 लाइनों की तस्दीक के लिए मुझे 4 दफा न्यूयॉर्क से कॉल्स आई उनके एडिटर्स की, सब एडिटर्स की, फ्लां की, धमाक की, कि आपने ये बात की थी। यहां तक कि जी उसने लिखा कि मैं फ्लां गाड़ी चला के आया था, कुछ स्पोर्ट्स कार होती थी मेरे पास उस वक्त, और उन्होंने कहा आपके पास ये स्पोर्ट्स कार है? मैंने कहा जी बिल्कुल है, और मैं हंसा, मैंने कहा उसकी क्या जरूरत है आपको जानने की? मैंने कहा नहीं जी, जब मैंने पढ़ा मुझे पता लगा कि एक छोटी एक फिक्रे को, मतलब आप अंदाजा कर लें कि 5-4 सफों पे मुहित एक मजमून है, एक एक फिक्रे को चेक करने पे कितनी वो मेहनत कर रहे थे और कितना, क्योंकि वहां कवानीन सख्त हैं, आप कोई गलत बयान नहीं करें, आप किसी से कोई गलत बात मंसूब करें आपके ऊपर बहुत हर जाने के दावे हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। एक अगर आप एक सहाफी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, आपको इस कानून से कोई खौफजदा होने की बात नहीं। और वक्फे से पहले जो मैं बात बताना चाह रहा था
कि आईन के आर्टिकल 19 एक ऐसा बुनियादी हक देता है। सर वली, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, बाकी मैं तमाम, आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी सरकारी हलकों से हमें यही पता चल रहा था कि मेरी एक अर्ज सुन ले, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आजादी इजहार राय एक ऐसा बुनियादी हक है जिसका वादा पाकिस्तान का आईन करता है, और पाकिस्तान के आईन में सबसे ज्यादा पाबंदियां आईन ने जिस बुनियादी हक पे लगाई हुई है वो यही वाला हक है। 13 पाबंदियां हैं, अगर आप आर्टिकल 19 को पढ़ें किस किस हवाले से, कि इस्लाम की अजमत के खिलाफ कोई बात आप नहीं कर सकते, पाकिस्तान की डिफेंस के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सालमियत, दोस्त बैरूनी ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, इंसाइटमेंट के किसी इश्तियाल देना, किसी को जुर्म करने का इश्तियाल देना, जुर्म का इर्तकाब करने की बात आप नहीं कर सकते। ये इतनी क्वालिफिकेशंस डाली हुई हैं इस बुनियादी हक पर, ठीक है, करें चैलेंज कोर्ट में जाके, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ फैलाना, खौफ फैलाना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए यह कानून है। मैं एक ब्रेक ले लूं सेनेटर वलीद साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, सेनेटर वलीद भी और तारिक फजल चौधरी साहब भी मेरे साथ हैं, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, मैं जरा क्विकली चलूं सेनेटर वलीद इकबाल साहब की तरफ। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने बहुत डिफेंड किया पीका की अमेंडेड एक्ट को, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। अब से चंद दिनों पहले तक पाकिस्तान के तमाम मीडिया में डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो बहुत जल्दी अमरीका के दौरे पर जा रहे हैं, गालिबन मार्च में उन्होंने जाना था या मार्च के या अप्रैल के शुरू में जाना था, और सरकारी हलकों ने उसकी तस्दीक की हमसे ज़बानी, कोई उसके बारे में नोटिफिकेशन या खबर एज सच ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन वो यही था कि जहां वज़ीर आज़म एक दफ़ा चीन और उसके बाद रूस जा रहे हैं, ये ज़रूरी समझा गया कि आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका जाएं और वहां पर उनको भी अहतमाद में लें और उनको ब्रीफ करें, और वहां उन्होंने जनरल ऑस्टन लॉयड जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनसे उन्होंने मुलाकात करनी थी। उसके हवाले से अपोजिशन के लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स में जो मुखालफत है हुकूमत, ये तो हो गई एक डिसइंफॉर्मेशन या स्पेकुलेशन। अब वो जा नहीं रहे वहां पे, अब पता चला है कि फिलहाल किसी वजह से वो नहीं जा रहे या देर से जाएंगे। अब आप सेनेटर वलीद मुझे बताएं मीडिया क्या करे, पहले वाली खबर जो थी वो भी कंफर्म थी लेकिन जाहिर कोई रिटन प्रूफ उसका नहीं था, अब यही है कि फिलहाल नहीं जा रहे उसकी भी कोई वजह हमें क्लियर नहीं है, और अपोजिशन जो स्पेकुलेशन कर रही थी वो भी हमारे सामने हो रहा था, हम क्या करें मीडिया में? देखें उस मखसूस खबर की लफाजी किस तरह की थी और उसमें क्या कहा गया, और दो चीज़ों का अंदर डिस्टिंक्ट तफरीक करना भी ज़रूरी होता है, इसमें राय का इजहार और एक किसी भी मामले को एक फैक्ट के तौर पे जो है सामने लाना। तो न्यूज़ जो होती है एक फैक्ट को असर्ट करना वो एक चीज़ होती है, और अगर गलत हो तो और उसमें झूठ हो तो वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती है। और इस खबर की जिसकी आप बात कर रहे हैं इस पर भी कोई अंदर नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि जिसने भी वो अगर एक दौरे के होने और ना होने के बारे में लिखा तो यही लिखा होगा या यही रिपोर्ट किया होगा कि ये दौरा मुतवक्के है, इसकी प्लानिंग हो रही है और वो फिर नहीं हुआ, तो इसमें तो ऐसी कोई फेक न्यूज़ वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ किसी की जाती जिंदगी के बारे में कोई ऐसी बातें करना और वो उसमें कोई बात में सदाकत नहीं है, किसी को स्कैंडलाइज करना, इस तरह की बातें करना, मिसाल देता हूं, और आप एक दो दफा मैंने देखा है कि टेलीविजन एंकर्स ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अपने मेहमानों को टोका जब उन्होंने कहा कि जी किस तरह की बात करना कि जी शौकत खानम के लिए डोनेशंस कलेक्ट करके वो MPTI को देते हैं या इस तरह की बात, जो कि हकीकत नहीं है। और मैं समझता हूं कि मैंने देखा है कि सही किया कि जी आप उस फलाई इदारे के बारे में इस तरह की बात ना करें वगैरह वगैरह। सो ये एक जो है इसमें मद्देनजर रखना पड़ता है, और आप ये देखें कि ये ऐसा कोई तरमीम तो नहीं है कानून अच्छा, की कि जिसमें कोई इमरान खान की करप्शन को बचाने के लिए कोई तरमीम की गई है या कोई ऐसी बात, ये जस्ट नहीं ठीक है। मैं इसमें बेहयाई को रोकने के लिए, मसला ये है ना कि एक फैक्ट झूठ को रोकने के लिए आर्मी चीफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अगर हमें ऑफिशियली नहीं पता चलता, हमें तो इसी तरह से पता चलता है, हुकूमती ज़राए से पता चलता है, ज़बानी पता चलता है, कोई लिख के तो हमें देता नहीं है किसकी किससे मुलाकात हुई है, ये चीज़ अक्सर पब्लिश भी नहीं होती, ज़ाहिर है उसको टेलीविजन चैनल्स पे अखबार सहाफ़ी ही तो उसको लिखते हैं, सहाफ़ी ही तो उसको फिर लिखते हैं अखबार में और वहाँ से वो चीज़ खबर बनती है। अक्सर चीज़ें जो होती हैं शायद 50-60-70% चीज़ होती है उसके बारे में हुकूमत ने कभी कोई ना प्रेस ब्रीफिंग की होती है, ना उसके बारे में खबर दी होती है, ना उसके कागजात होते हैं, वो ज़बानी ही पता चलता है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो पार्टी है और आपके जो लोग हैं वो तरह तरह के दावे करते रहते हैं कि फलां से मुलाकात होगी, इससे होगी, ये हो गया, अभी होने वाला है, और वो सब चीज़ें बाद में गलत भी साबित हो जाती हैं। अदम एहतमाद के हवाले से ही देख लें क्या कोई दावे आपने नहीं किए, उसका हम क्या करें?
वो उस पर फिर क्या करें, उस पर कानून होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा कमेंट करूंगा जो सेनेटर एजाज हसन साहब ने जो गुफ्तगू की है, मेरा उनके लिए बड़ा एहतराम है और वो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में एक नामवर कानूनदान की हैसियत से माने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज तो बिल्कुल आप ये कहें कि जब आपके दिल में दिमाग में किसी फ़र्द या पार्टी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और अनाद आ जाए तो फिर आपका जो मालूमात होती हैं या जो आपको इल्म होता है वो पीछे रह जाता है, बुग़्ज़ और अनाद आगे निकल जाता है। अनफॉर्चुनेटली आज तो बिल्कुल ही ट्रैक से उतरे हुए थे, यानी बात हो रही है पीका के कानून की, फेक न्यूज़ की और उन्हें पड़ी हुई है उन टेपों की जो कि मीडिया पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिखाई थी कि जो जज साहबान जिन्होंने जज साहब जिन्होंने फैसला किया मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो कन्फेस कर रहे हैं कि क्या हालात थे, किस प्रेशर के तहत मैंने ये फैसले किए थे। अगर हुकूमत समझती है, मैं आज कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, समझती है कि वो टेपें गलत हैं, वो टेपें फैब्रिकेटेड हैं, तो आप उनको कराएँ उनका फोरेंसिक और आप कार्रवाई करें, हमारे ख़िलाफ़ करें, पार्टी के ख़िलाफ़ करें, हम तैयार हैं, लेकिन फोरेंसिक करा के उसके बाद ही करेंगे ना। एजाज हसन साहब की गुफ्तगू के बाद तो नहीं आप कर सकते कि उन्होंने कह दिया है वो फेक हैं तो वो फेक हो जाएंगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इतने सीनियर कानूनदान का इस तरह की स्टेटमेंट विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स। लेकिन उसमें भी तो प्रॉब्लम है ना कि इस कानून के हवाले से प्रॉब्लम भी है ना कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जिन टेपों का जिक्र किया उनको लेकर उन्होंने अदालत के सामने कोई पिटिशन डाली नहीं। उनको पहले अदालत के सामने पिटिशन डालनी थी, उन्होंने वो लीगल केस नहीं अपना एस्टैब्लिश किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस एस्टैब्लिश किया। इसी तरह जो लीगल बैटल है, प्रसार की ऑडियो आई, ये एक डॉक्टर साहब ये एक लीगल बैटल है। मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूं कि क्या उन टेपों को अदालत में देने से हमें अपने केसेस में कोई मदद मिल सकती थी। अगर मिल सकती थी तो यकीनन हम डालते, हमारी वकला की टीम डालती। बेसिकली मैं उनके हवाले से कह रहा हूँ। तो ये एक कानूनी पॉइंट है, अब इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट करना या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो की नहीं जा सकती, जिसकी एजाज हसन साहब ने ट्राई की है। मैं आ रहा हूँ ज़रा दोबारा इस बात के ऊपर जो अभी सेनेटर साहब से बात कर रहे थे। आपकी इस मुख्तसर टाइम में इतने बड़े टॉपिक का अहाता बहुत मुश्किल है, लेकिन बुनियादी तौर पर दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बिलउमूम। पहली चीज़ ये है कि क्या तमाम दानिश्वर, तमाम सुकरात, बुकरात, अरस्तु, ये सिर्फ हुकूमत में बैठे हुए हैं? यही लोग बहुत ज़हीन और फतीन हैं, इन्हें ही पता है जनाब के मीडिया और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होनी हैं? आपकी सिविल सोसाइटी, आपकी अपोजिशन की तमाम जमातें, आपके मीडिया के तमाम, आपकी जो जर्नलिस्ट हैं उनके तमाम के तमाम जो तंजीमें हैं वो सारे गूफ हैं, उन्हें नहीं पता ये आप क्या कर रहे हैं और इसके असरात आगे क्या होंगे। वो सारे सरापा एहतजाज हैं, यानी आप ये कहें कि 70% लोग सरापा एहतजाज हैं, 30% लोग या आपके कुछ आने वाले वो ऐसे रह गए, 30% में बहुत ज़्यादा कह गए हूँ, अब तो ये परसेंटेज बहुत ही श्रिंक हो गई है, वो इसको सही समझ रही है। दूसरी बात कि आप ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत है, आप उसको असेंबली में ला के दीजिए, लोगों को मौका क्यों नहीं दिया? आप बुलाते, आपकी जो मैंने कहा साफ़ी तंजीमें हैं जर्नलिस्ट, उन्हें बुला के उनसे राय लेते, अगर आपकी नीयत ठीक थी हम भी आपके साथ चलते, जर्नलिस्ट भी आपके साथ चलते। कौन कहता है कि पाकिस्तान में जाली खबरें फैलें, मीडिया के ऊपर झूठ लिखा जाए? कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बात होती है नीयत की। जिस एक्शन के बाद पिछले दिनों में जो पूरा एपिसोड हुआ, मौसम बेग का हुआ, सारी चीजें आपके सामने हुई, जिस एक्शन के बाद आप रातों रात इस एक्ट को लेके आए हैं, इसमें मैला फाइडी है जिसके ऊपर हम सब बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर अदालतों का रुख लोग कर भी चुके हैं और आप जिन तंजीमों का मैंने नाम लिया वो तंजीमें अदालतों का रुख कर रही हैं। इसमें इतनी नेक नीति और इतनी पॉजिटिविटी नहीं है जो मेरे भाई सेनेटर वलीद इकबाल साहब जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जनाब के लिए तो बहुत हम माहौल को पाक और साफ करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। नहीं, इसकी वजूहत कुछ और है जिस वजह से एक्ट लाया गया है। मैं अब टेक्निकल गुफ्तगू का गुजारा आपके पास टाइम है नहीं, इसलिए मैंने इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिया है जो कॉमन मैन को भी समझ आता है। मेरे पास अब 2.5-3 मिनट है, मैं हुकूमत का एक दफ़ा इस पर फिर मौकफ ले लूँ। सर वलीद साहब, मेरे पास 3 मिनट से भी कम टाइम है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की इस बात में बहुत वजन है कि आपको ये और लाना ही था कानून, तो आप इसको नेशनल असेंबली में लेकर आते, इसके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस करते, चंद हफ्तों का या महीनों का, आप इसको नेशनल असेंबली और सेनेट के जरिए पास करवाते जहाँ इस पर डिबेट होती। आपने इसे एक ऑर्डिनेंस से यानी रात की तारीखी में आपने इसे नाफिज़ुल अमल कर दिया है, इसकी क्या वजह है?
ऑर्डिनेंस जो होता है जी, और एक मैं ये बात अर्ज कर दूं जो बहुत ज्यादा हम पे कहते हैं जी कि ये 70 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, मैं ये कि 70 ऑर्डिनेंस जरूर पास किए हैं, 3.5 साल में 70 ऑर्डिनेंस जो पास किए हैं, एवरेज तकरीबन 19 या 20 सालाना की आती है, और पाकिस्तान की 30-35 साल में जो मुंतखब हुकूमतें हैं उनकी जो एवरेज है वैसे सालाना वो 27 ऑर्डिनेंसेज की है, तो हम इसके लो एंड पे आ रहे हैं अभी भी ऑर्डिनेंसेज की तादाद के हवाले से। दूसरा ये है कि जी ऑर्डिनेंस तो वैसे एक आर्जी कानून होता है, ऑर्डिनेंस को ले करना ज़रूरी होता है दोनों ऐवानों में, और उसके बाद इस पर वही एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं जो कि इसका जिक्र जिनका किया जा रहा है कि उस पर डिबेट होती है, वो कमेटीज़ में जाते हैं, वो जिस तरह लेजिस्लेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस नहीं, बिकॉज ये एक, क्योंकि ये एक अहम मामला है, और जिस तरह की आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिस तरह के कंटेंट जो है, जिस जो आपके फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते, जो जिस तरह की बेहयाई फैल रही थी, जिस तरह की झूठ वगैरह फेक, तो अपनी जगह है, मतलब ये तारिक फजल चौधरी साहब ने भी एतराफ़ किया ना कि ये शुतरे बेमहार, मैंने कोई बेलगाम कहा, ये जो मादर पैदर आज़ादी थी इसके ऊपर फौरी एक्शन ज़रूरी था, ये ऑक्शन ले लिया गया, अब इतने जितना मर्जी, ये तो आर्जी कानून है, जितना मर्जी इस पर डिबेट कर लें, और वो सारा इस प्रोसेस के जरिए गुजरेगा, और आइन के पैमाने के ऊपर जहां पे मोरालिटी और डिसेंसी और पब्लिक ऑर्डर, ये सारी क्वालिफिकेशंस मौजूद हैं आज़ादी है इजहार राय आर्टिकल 19 में, ये सब चीज़ें जो हैं अदालतें भी इसका जायजा ले सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और इनका हक है जाए अदालतों में, ये मैं तो समझता हूं कि आइन के तकाजों पर पूरा उतरता है ये कानून, और कोई उसमें 19-20 का हो तो अदालतें उसको दुरुस्त कर देंगी, और डिबेट और उसके जरिए जिस तरह हर कानून होता है ये उसके जरिए जो है ये मसला हल हो जाएगा, तो इसका ऑर्डिनेंस का पास करने का, और जो मैंने आपको अदालतें इसे दुरुस्त कर देंगी है माजी की। बहुत शुक्रिया सर वलीद का, और जनाब डॉक्टर तारिक साहब का, उससे पहले जमीर अकरम साहब का बहुत शुक्रिया। ये बहस आपने देखी दो हवाले से, एक तो वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो रशिया जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं, जहां आज रात को कल सुबह निकल जाएंगे, और वहां के सदर प्रेसिडेंट पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात है। 23 बरस के बाद पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जो एक बायलेटरल समिट मीटिंग के लिए रशिया जा रहा है। ये और बात है कि ऐसे मौके पे ये विजिट हो रहा है जबकि यूक्रेन के हवाले से मगरब में, रूस में बहुत ज्यादा तनाव और टेंशन किसी कैफियत है, बड़े सख्त फैसले वहां पर किए गए हैं, उसके हवाले से तनकीद भी हो रही है, लेकिन कंसेंसस यही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को रूस जाना ही था, बिकॉज पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात जो है इस मौके पर बड़े अहम है। दूसरी तरफ आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासी समाजी तंजीमें और मीडिया जो है हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद हो रहे हैं, हुकूमत ने जो अमेंडमेंट निकाला है, ऑर्डिनेंस निकाला है पीका 2016 के कानून में तरमीम के हवाले से, उसके खिलाफ शदीद रद्द अमल है। यह बहस आपने देखी, फैसला आपका आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।